पूर्व दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर एनजीटी ने मांगा जवाब, नगर निगम से पूछा क्या है हड़ताल की वजह, कूड़े के ढेर को हटाने के निर्देश। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर बीजेपी का दिल्ली सरकार पर निशाना, मनोज तिवारी ने राजनीति करने का आरोप लगाया। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की जमानत का सीबीआई ने विरोध किया, हाईकोर्ट में कहा त्यागी ने देश को शर्मिंदा किया है। हेलमेट सीट बेल्ट नहीं लगाई तो लग सकता ₹1000 तक का जुर्माना, बजट सत्र में सरकार करेगी मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर ₹10000 का जुर्माना। सलमान खान के अवैध हथियार केस में फैसले की तारीख तय, 18 जनवरी को जोधपुर की अदालत फैसला सुनाएगी। मायावती के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई, धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया। कल लखनऊ में यूपी बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, राजनाथ सिंह, कलराज मिश्र, उमा भारती के अलावा केशव मौर्य भी मौजूद रहेंगे। यूपी के मुरादाबाद में कार से 15 लाख रुपए बरामद, 10 लाख रुपए के पुराने नोट शामिल, एक गिरफ्तार। अलीगढ़ में बीएसपी के भाईचारा सम्मेलन में उड़ाई गई आचार संहिता की धज्जियां, भीड़ जुटाने के लिए डांसर्स का सहारा लिया गया। गाजियाबाद में आचार संहिता का उल्लंघन, जीटीए ने राज्य सरकार की योजना की तारीफ करने वाले बैनर लगाए। यूपी के मुरादाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक पर सवार दो बदमाश फायरिंग करके फरार हुए। यूपी के हरदोई में एक और नाबालिग लड़की का शव मिला, घर वालों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया लेकिन पुलिस ने आत्महत्या का केस दर्ज किया। गाजियाबाद में महिला वकील पर जानलेवा हमला, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात, पुलिस ने शिकायत के बावजूद नहीं कार्रवाई की। लखनऊ में कार हादसे में मजदूर की मौत के मामले में एनजीओ पर कार्रवाई, सड़क पर रैन बसेरा बनाने का आरोप। ग्रेटर नोएडा के फैक्ट्री में हादसा, मशीन से कटकर मजदूर की मौत, कंपनी पर जबरन काम कराने का आरोप। यूपी के कौशाम्बी में लखवा रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर पर केस, फर्जी डिग्री के सारे मरीजों के इलाज का आरोप। कानपुर में पुलिस की तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी, बाइक सवार की मौके पर मौत, पत्नी की हालत गंभीर। यूपी के फरुखाबाद में माघ मेले पर भी गंगा साफ नहीं, 12 जनवरी को होना है मेले का उद्घाटन। एमपी में कैशलेस इंडिया को मिली रफ्तार, कैबिनेट ने पीओएस मशीन से सभी टैक्स हटाए। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई को फ्री वाईफाई तोहफा दिया, शहर में 500 वाईफाई हॉटस्पॉट लगे, 1 मई को हॉटस्पॉट की संख्या 1200 पहुंचाने का दावा। तमिलनाडु के सीएम पनीर सेल्वम ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, जल्लीकट्टू पर बैन हटाने के लिए अध्यादेश लाने की गुजारिश की। गुजरात के राजकोट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी, 21 जनवरी को 3.5 लाख लोग एक साथ गाएंगे राष्ट्रगान। उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम की तारीखों का ऐलान, 17 मार्च से 10 अप्रैल तक एग्जाम चलेंगे। केरल के त्रिशूर में साथी की आत्महत्या के विरोध में नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस पर पथराव। केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी की बेंगलुरु कोर्ट में पेशी, 2 जनवरी को भी सोलर घोटाले के मामले में पेशी हुई थी। फ्रांस के विदेश मंत्री ने बेंगलुरु मेट्रो में किया सफर, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पहुंचे हैं जनमार्क। रांची में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की पहल, सभी कॉलेजों में तैनात होंगी महिला शक्ति कमांडो। पटना में ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की, 14 जनवरी तक लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जाएगी। पटना में कैंसर के इलाज के लिए छुट्टी लेने पर टीचर को नौकरी से निकालने का आरोप पर स्कूल प्रशासन ने आरोपों को गलत बताया। रायपुर के स्पा सेंटर्स पर पुलिस की दबिश, विदेशी महिला कर्मचारियों के पासपोर्ट और वीजा जब्त किए गए। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, राज्यों में 562 सड़कें बंद। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बर्फबारी के बाद किसानों के चेहरे खिले, खेती के लिए फायदेमंद बताया। उत्तराखंड के मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट औली में बर्फबारी के बाद धूप निकली, भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में धान नहीं खरीदे जाने के विरोध में किसानों का प्रदर्शन, हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े करके जाम लगाया। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में बीएसएफ के जवान ने खुदकुशी की, तमिलनाडु के कन्याकुमारी का रहने वाला था जैसे।